जो ग्रीन कलर का दिख रहा है वो है सेट वैल्यू, और जो रेड कलर का दिख रहा है वो है प्री सेट वैल्यू, जो एक्चुअल में चल रहा है। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ कि एक्चुअली ये वर्क किस तरह से कर रहे हैं। अभी ये जो है एक इंस्ट्रूमेंट है वो है थर्मोकपल। ठीक है, ये देखिए, अभी आपको ये ओरिजिनली में ये थर्मोकपल यूज़ किया हुआ इंडस्ट्री में, ये वही थर्मोकपल है। ठीक है, देख लो कितना हीट है ना, ये 100,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर है इसके अंदर। अब इस थर्मोकपल के थ्रू ही हमको पीआईडी को कंट्रोल करना है। अभी जो मैं आपको प्रैक्टिकल, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जो आज का अपना जो टॉपिक है वीडियो का वो है पीआईडी कंट्रोलर। ठीक है, इस वीडियो में जो मैं बताने वाला हूँ आपको वो पीआईडी के बारे में शुरू से लेकर के एंड तक का उसका डिप्ली में आप लोग सब कुछ समझाने वाला हूँ। ठीक है, जो अपना टॉपिक है जैसा कि पीआईडी कंट्रोलर। ठीक है, क्या है पीआईडी, आखिर है क्या पीआईडी, एक्चुअली क्या काम करता है, या पीआईडी एक्चुअली होता क्या है, वर्किंग क्या, प्रोसेस क्या है, पीआईडी की ओनली बेसिक डेफिनेशन ही हमें याद है। ठीक है, इसके बारे में और कोई डिटेल नहीं है, कुछ नहीं है। आखिर इंटरव्यू में हम जाते हैं बट नहीं बोल पाते कुछ भी, वाई, क्योंकि हमने उसको प्रैक्टिकल में अंडरस्टैंड किया ही नहीं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। ठीक है, आप बहुत लकी हैं इस वीडियो को देख रहे हैं आप, क्योंकि पीआईडी की डिटेल्स इजीली यूट्यूब पे इतनी डिटेल में जो जानकारी है वो इजीली अवेलेबल नहीं होने वाली है। ठीक है, तो इसको मैंने बहुत ही मतलब अपने जो प्लम्बर एक बेसिक अपना इंडस्ट्री जो है इस प्लांट में है वर्किंग है, तो इसमें मैंने अच्छे से आप लोगों की इजी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि एक्चुअली पीआईडी क्या है, पीआईडी का वर्किंग, उसका पैरामीटर से लेके जो पीआईडी की मेजर जो डिटेल्स हैं वो सब मैं वीडियो के अंदर डाल देने वाला हूँ, और प्लस आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए, ताकि अगली बार जब भी आप इंटरव्यू देने जाएँ या फिर कहीं भी किसी भी बेसिक डिटेल में लिखने जाएँ तो आपको वो रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई भी डेफिनेशन रटने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी आप ऐसे बता देंगे कि हाँ यही पीआईडी है और ये ऐसे एक्चुअली में जो काम करता है वो इस तरह से काम करता है, सिर्फ एक वीडियो की तरह लोगों को दिख रही है। ठीक है, डेफिनेशन एक्चुअली क्या है वो आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, आप लोगों को दिख रही डेफिनेशन जिस दिखा रहे हैं आप जिसे रट सकते हैं चाहें तो, नहीं नहीं रटना नहीं है, कोई बात नहीं, आप रटो मत, इसको एक्चुअली समझो एक्चुअली है क्या, कैसे काम कर रही है, वही तो हम इस वीडियो को आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, तो पीआईडी में क्या होता है एक्चुअली कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट क्या है, किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट, हम कंट्रोल करने के लिए, एप्लीकेशन को कंट्रोल करने के लिए और रेगुलेट करने के लिए, किसको, फ्रिक्वेंसी को, स्पीड को, उसका मेंटेन करने के लिए ये पीआईडी को यूज़ करते हैं। बट इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपको इस वीडियो में आगे प्रैक्टिकली देखने। तो चलिए अभी हम इसके टाइप्स देख सकते हैं, PID, PID, PDF, PID, PIDF, जिसमें से मेनली जो आप हम स्टडी करने वाले हैं वो है PID, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव्स, इसका फॉर्मूला भी दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका जो सिंपल बेसिक वर्जन है जो कि है ओमेगा का, इसमें दिखा रहा है ऑन ऑफ PID कंट्रोलर, एक ऑन ऑफ ये बेसिक वर्जन है। इसके अंदर ओनली आउटपुट एक रिले के थ्रू इसमें हम आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं, सेट पॉइंट इसमें नहीं दिया हुआ है, ये ओनली प्रीसेट वैल्यू दिखाता है। देखिए पीआईडी के अंदर मेनली है ना सेट वैल्यू, प्रीसेट वैल्यू, अगर प्रॉपर पीआईडी जो उसका जो पीआईडी जो यूज़ करते हैं उसके अंदर ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ये जो एक प्रोपोर्शनल कंट्रोल है ये सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, ये भी क्लोज कंट्रोल लूप ये नहीं है, ये ओपन कंट्रोल लूप है। ठीक है, ऑन ऑफ कंट्रोल करता है सिर्फ, ये प्रोपोर्शनल कंट्रोल है। ठीक है, अभी जो इसका है जो मेन हम यूज़ करने वाले जो ये है वो क्या है, पीआईडी कंट्रोलर, इसे ही हम यूज़ कर रहे हैं हमारे प्रैक्टिकल में, जो कि एक क्लोज कंट्रोल लूप सिस्टम है। इसके अंदर सेट वैल्यू प्रीसेट वैल्यू दोनों के थ्रू हम यूज़ करते हैं। अभी देखिए आप इसका ब्लॉक डायग्राम देख रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है पीआईडी, जो हम सेट वैल्यू डालते हैं उसके बाद जो प्रीसेट वैल्यू होता है, जो हमारा टेम्परेचर
का भी हो सकता है, जो हमारे ओवन के अंदर जो एक्चुअल टेम्परेचर चल रहा है वही होता है हमारा प्री सेट वैल्यू, और जो हम सेट वैल्यू डालना चाहते हैं वो होता है हमारा सेट वैल्यू। ठीक है, यह हमारा पीआईडी के अंदर दो मेन चीज़ ध्यान में रखने वाली चीज़ है। ठीक है, अभी देखिए कंट्रोलर पीआईडी दिखा हुआ है, इसके अंदर ट्रांसमीटर है जो जिसके थ्रू हमें पता चलेगा कि इसमें एक्चुअल में कितना टेम्परेचर चल रहा है, वो होता है हमारा प्री सेट वैल्यू। और सेट वैल्यू जो हमने सेटिंग किया हुआ है, अब 85 देखो इसमें सेटिंग किया हुआ है, अब ये पीआईडी इसको जो डिजिट्स हैं उसमें अंदर जो प्लस माइनस करके जो एरर है वो फीडबैक के थ्रू लेगा, और जो प्रीसेट वैल्यू से जो एरर चेक करके बाद में वो उसको कंट्रोल करेगा। और कंट्रोल किसको करेगा, ये देखिए इसके अंदर जो दिख रहा है कंट्रोल वाल, एक सिंपल सा एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए सिंपल सा एग्जांपल है, इसको सेट वैल्यू जो हमको दिया है वो प्रीसेट वैल्यू को देखने के बाद वो कंट्रोल करेगा किसको, कंट्रोल वाल को। ठीक है, यही सिस्टम अभी हम प्रैक्टिकल में देखने वाले हैं। ठीक है, कुछ सिंपल है, बहुत सिंपल है, ये देखिए इंडस्ट्री में अभी मैं ये ले गया हूँ, अभी इसमें आपको जो पीआईडी है वेस्ट का है 8170 ये कंट्रोलर यूज़ किया है, देखो 790 टेम्परेचर चल रहा है अभी ओरिजिनली 790, और इसका सेट वैल्यू भी 790 है, जो ग्रीन कलर का दिख रहा है वो है सेट वैल्यू, और जो रेड कलर का दिख रहा है वो है प्री सेट वैल्यू जो एक्चुअली में चल रहा है। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ कि एक्चुअली ये वर्क किस तरह से कर रहे हैं। अभी ये जो है एक इंस्ट्रूमेंट है वो है थर्मोकपल। ठीक है, ये देखिए अभी आपको ये ओरिजिनली में ये थर्मोकपल यूज़ किया हुआ इंडस्ट्री में, ये वही थर्मोकपल है। ठीक है, देख लो कितना हीट है ना, ये 100,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर है इसके अंदर। अब इस थर्मोकपल के थ्रू ही हमको पीआईडी को कंट्रोल करना है। अभी जो मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ, ठीक है, वो पीआईडी है। अभी देखिए इसके अंदर मैं नॉर्मली टेम्परेचर जो चल रहा है अभी वो 22 चल रहा है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर अभी मैंने थर्मोकपल को पट्टी में नहीं डाला है। ठीक है, ना ही कहीं हमें ऐसी जगह रखा है, अभी ओनली नॉर्मल टेम्परेचर चल रहा है। ठीक है, तो 22 जो दिखा रहा है वो नॉर्मल टेम्परेचर है। अभी देखिए इसको मैंने सेट पॉइंट जैसे ही मैं इंक्रीज़ करता हूँ, देखिए ये देखिए 39 किया, 49 किया, तो ये सेट पॉइंट जैसे जैसे मैं इंक्रीज़ करूँगा वो ऊपर प्लस वाला आउटपुट देते जाएगा, वो जैसे जैसे आउटपुट देगा वैसे वैसे मोटर को वो कंट्रोल करने के लिए बोलेगा कि किस तरह से कंट्रोल करने के लिए। देखिए मोटर जो है फॉरवर्ड घूम रहा है। ठीक है, ये एक एक्चुअली से मैंने एग्जांपल दिया हुआ है इसमें मोटर के थ्रू कि ये देखिए वो आउटपुट दे रहा है प्लस में, मतलब ये मोटर को फॉरवर्ड घुमाएगा। अब जैसे ही इसका सेट पॉइंट का जो वैल्यू है, मैं इसका सेट पॉइंट वैल्यू देखो कम करते जाऊँगा तो ये इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये एप्लीकेशन है, पीआईडी का एक एप्लीकेशन है, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे अभी। ठीक है, ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, ये देखो अभी इसको मैंने सेट पॉइंट जैसे कम किया मोटर का डायरेक्शन चेंज हो गया, क्यों, क्योंकि वो एक वाल के थ्रू इसको एग्जांपल दिया है, एक वाल है। ठीक है, अब वाल को किस तरह से कंट्रोल करना है वही हमें ये पीआईडी एक्चुअली करेगा कि, और जो वाल है उसके अंदर प्लस फीडबैक के लिए जो पोटेंशियोमीटर है वो भी यूज़ करना पड़ेगा, वही फीडबैक देने वाला है। चलिए अब जो पीआईडी आप ये देखिए फिर एसी ड्राइव में फ्रिक्वेंसी 00 दिखा रहा है। ठीक है, अभी जो पीआईडी यूज़ किया है मैंने 8100 किया है, ये पीआईडी दूसरा है, ये इसके अंदर जो सेट पॉइंट है देखिए वो मैंने इंक्रीज़ किया जैसे 24 है ना, इसको जो प्रीसेट वैल्यू है हमारी कितनी है 23 है, और जो सेट वैल्यू है अब उसी को मैं प्लस माइनस करूँगा और एसी ड्राइव की फ्रिक्वेंसी इसके साथ वेरी करेगी। देखिए ये भी 24 है, अभी इसकी फ्रिक्वेंसी 30, और जैसे ही मैंने सेट पॉइंट कम किया फ्रिक्वेंसी 00 हो गई। ये क्यों हुआ, ये कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, ये सेट पॉइंट के थ्रू मतलब ये अपने प्लस माइनस करके एरर चेक करके यही कंट्रोल कर रहा है, यही आपको समझना है। देखिए मैंने सेट पॉइंट इसका सेट पॉइंट बढ़ाया, मैंने 28 किया, उसने आउटपुट दिया, फ्रिक्वेंसी बढ़ा दी, कितनी बढ़ाई देखिए बढ़ाते जा रहे हो फ्रिक्वेंसी, जैसे जैसे मैं सेट पॉइंट बढ़ाते जा रहा हूँ वैसे वैसे उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ा रहा है, क्यों, जब तक वो अपना
अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो क्या होगा, मोटर रन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा चलेगी जब तक वो उसका एक्चुअल वैल्यू पे नहीं आए, जब तक वो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाएगा। बट उसका प्रीसेट वैल्यू अभी इसके अंदर 23 आ रहा है, क्यों? क्योंकि इसको जो हमने प्रीसेट वैल्यू के लिए लिया हुआ है वो तो अभी हमारे पास, हमने इसको यूज़ नहीं किया हुआ है। ये एक खाली एग्जांपल के लिए मैंने आपको शो कर रहा हूँ, ठीक है? तो सेट पॉइंट देखो मैंने कितना बढ़ा दिया, तो वो फ्रीक्वेंसी उतना बढ़ाता जाएगा जब तक उसको कंट्रोल नहीं कर ले। यही PID, देखिए 236 मैंने इसका सेट पॉइंट कर दिया। अभी देखिए जिसके एसी ड्राइव की फ्रीक्वेंसी एकदम 100 हो गई है, ठीक है? मोटर देखिए 100 फ्रीक्वेंसी के ऊपर घूम रहा है, और वो एक एग्जांपल है। जब तक घूमेगा जब तक इसका सेट पॉइंट पर इसका प्रीसेट वैल्यू जो है वो सेट पॉइंट तक नहीं आ जाए, 236 जब तक वैल्यू नहीं आएगा जब तक वो उसको इतना घुमाएगा, और जैसे ही उससे ऊपर जाने लगेगा वैसे वैसे उसको वो कम कर देगा फ्रीक्वेंसी, वो कम कर देगा, वो बंद भी कर देगा, वो एफ जो फ्रीक्वेंसी है वो 00 भी कर देगा, ठीक है? वो कैसे वो 00 करेगा, देखिए मैं इसको कम कर रहा हूँ, ठीक है? अभी इसको सेट पॉइंट मैंने कम कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि अभी एक्चुअली में तो प्रीसेट वैल्यू तो इतना आने वाला नहीं है, तो सेट वैल्यू को मैं कम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने जैसे सेट वैल्यू, अब इसको एज्यूम कीजिए कि 13 जो 13 14 ये दिखा रहा है इतना सेट पॉइंट वैल्यू है, और देखो फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे एकदम कम हो गई और एकदम नॉर्मली स्पीड पे ये चल रहा है, ठीक है? क्योंकि सेट पॉइंट 23 है। ये सिंपली इजीली अंडरस्टैंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? ये इसका PID का जो डायग्राम है कंट्रोल वायरिंग का, ये वही डायग्राम है। ऐसी ड्राइव के साथ मैंने इसको इंडक्शन मोटर के साथ आपको वही इसमें एग्जांपल में यू दिखाया। अब जो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाला हूँ वो इसका पूरा फुल कंट्रोल वायरिंग, और क्या दोनों PID कंट्रोल क्या है क्या नहीं है, कौन कौन से कंट्रोलर मैंने यूज़ किए हैं, उसके हार्ड वायरिंग, वो सभी मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को एक वीडियो कैसा लगा, क्या इसमें कमी है, कुछ मुझे इसमें एडवांस करने की जो कुछ ज़रूरत है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, और आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।